नमस्कार जोहार। न्यूज मेल द्वारा आयोजित बदल रहा है आदिवासी समाज कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच रामचंद्र उरांव जी आए हुए हैं। रामचंद्र जी रांची के एकमात्र 5 सितारा होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। इनका जन्म मुरुम सोकरा गांव टोटो पंचायत गुमला में हुआ और वहां से देश विदेश की कई होटल व्यवसाय में ये जुड़े रहे और वहां से आजकल आकर रांची में है। तो इतनी लंबी यात्रा इन्होंने किस तरह से की, इस संबंध में हम लोग रामचंद्र जी से ही बात करेंगे। रामचंद्र जी, आप लोग आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, नमस्कार। सबसे पहले हम लोग रामचंद्र जी आपसे यह जानना चाहेंगे जी कि जैसा हमने सुना है कि आपकी इच्छा थी बचपन में आर्मी में जाने की, आर्मी में जाना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन आर्मी में जाने के बाद में अभी आप होटल व्यवसाय में जुड़कर एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए हैं। बिल्कुल। तो ऐसी यात्रा कैसे रही, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को जरा बताएं। एक्चुअली आर्मी में जाना मेरा पैशन था और शुरू से उसके लिए मैंने काम करना शुरू किया। स्कूल में मैं एनसीसी में था, बस इसी मोटिव को लेकर कि मैं आ गया कि आर्मी में जाऊंगा। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। जब यहाँ आया रांची में तो अपने दोस्तों के बीच होटल मैनेजमेंट का काफ़ी नाम था और ग्लैमर बहुत अट्रैक्ट करता था। तो ऐसी खेल खेल में मैंने ये बैंकिंग की तैयारी करते करते होटल मैनेजमेंट की एग्ज़ाम दे दी और क्वालिफाई भी कर गया। उसके बाद इंटरव्यू आई, चलो एक एक्सपीरियंस के लिए मैं इंटरव्यू दिया और उसमें भी निकल आया और मेरे को फॉर्चुनेटली प्लेसमेंट मिला मुंबई। मुंबई माया नगरी कौन छोड़ता है, मैं सोचा जा के घूम के आ जाऊँ। जब वहाँ गया तो वहाँ की आबो हवा, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, वहाँ के टैलेंटेड स्टूडेंट्स, वो माया मोह मुझे घेर लिया और मेरे को वापस आना का मन बिल्कुल नहीं हुआ। हम दो दोस्त गए थे देखने मुंबई, दोस्त को मैंने वापस भेज दिया। तो मेरा यही मन लग गया मैं कुछ ना कुछ यहाँ से कर निकलूँगा और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा, ये आपके जो इंस्टीट्यूट का क्या नाम था, वहाँ किस इंस्टीट्यूट से आपने? ये एशिया का काफ़ी नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है, IHMCTN, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन। मतलब होटल मैनेजमेंट के साथ साथ खाने के पौष्टिक गुणों का नॉलेज भी देता है ये। उसके बाद जब आपने वहाँ से डिप्लोमा कर लिया जी, और वहाँ के बहुत सारे लोग जो सब रहे हैं वहाँ से करने के बाद में आपका पहला प्लेसमेंट कहाँ हुआ? पहले तो बता दूँ कि होटल मैनेजमेंट का सफ़र इतना आसान नहीं रहा मेरे लिए। अच्छा। मैं चूँकि खेल खेल में तो अप्लाई कर लिया, लेकिन जब बॉम्बे गया तो वहाँ भारतवर्ष के पूरे राज्य से, पूरे स्टेट से स्टूडेंट थे और काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट थे। मैं कहाँ वर्नाकुलर मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम से था। पहले तो मेरे भाषा है बहुत बड़ी गैप बन गई उनके बीच और उस गैप को भरना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। हाँ, लेकिन मैं बोलूँ कि मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मेरा अपना व्यू विजन एकदम क्लियर था कि मेरे को करना है। और इस बीच तो मेरे दोस्तों की सहानुभूति बहुत रही। मैं क्योंकि एक हिंदी मीडियम का लड़का था, मेरे को पहले 2 महीना तो मेरे समझ में नहीं आई कि मैं क्या करूं। जो टीचर पढ़ाते थे मेरे सर के ऊपर निकल जाता था। जब जो स्टूडेंट दो घंटे पढ़ते थे, मेरे को 4-6 घंटे पढ़ना पड़ता था। और पहले बात इतना डर था कि मैं कैसे करूँगा, लेकिन ग्रेजुअली अपने मेहनत से मैं करता गया और फिर मेरे को चीज़ें आसान होती दिखाई देने लगी और जैसे जैसे मैंने करे वैसे रास्ता क्लियर दिखने लगा। जैसा कि आपने बताया, आपने कहीं से जानकारी मिली कि आप सेकंड ईयर में फेल हो गया था। बिल्कुल। तो फेल हो गए थे तो उसके बाद में कैसे आपने अपने आप को रिचार्ज किया और फिर इस तरह आगे बढ़े, और वहाँ किन लोगों ने आपकी मदद की? पहले तो फेलियर कहते ना, सक्सेस होने के लिए पिलर है जी। मेरे को अंदाजा पहले ही हो गया था कि मेरा आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है। सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर तो मैंने कैसे
पास कर लिया, लेकिन सेकंड ईयर बहुत मुश्किल हो गया। अगर मैं उसको पार ही कर लेता तो थर्ड ईयर मेरे लिए और भी भारी पड़ता। तो वो पड़ाव मेरे लिए जरूरी भी था और किस्मत ने मेरे को वहाँ रुकाया भी। तो फिर जब सेकंड ईयर में रुक गया तो मैंने दोबारा मेहनत की और बहुत मेहनत की, और फिर जब अगली बार पास किया तो अच्छा पास कर गया। फिर थर्ड ईयर अपने ही जी हो गया मेरे लिए, और दोस्तों उनका बहुत मदद रहा, लोग सहानुभूति जताते थे मेरे पर कि भाई ये बेचारा गरीब है, ट्राइबल आ गया, हाँ, इसको तो अंग्रेजी भी नहीं आता है, हाँ। पता नहीं कैसे कर गए होटल मैनेजमेंट। अच्छा। लेकिन कहते हैं ना कि जो चुनौती में ही मजा है, तो चुनौती को मैंने स्वीकार किया और करते चले। आपने स्वीकार किया, संघर्ष भी स्वीकार किया जी। उसके बाद फिर जब आपका पहला प्लेसमेंट हो गया, आप सर दुबई गए, फिर दुबई होते हुए आप ओशियाना क्रूज में गए। बिल्कुल। ओशियाना क्रूज से होते हुए फिर आपने साइप्रस में भी गए, साइप्रस से फिर बहुत सारे जो हवाई द्वीप हैं उधर भी आप गए, और फिर लंदन तक भी पहुंचे। तो इस बीच तक का जो आपका एक एज ए शेफ आपका सफर कैसा रहा, कैसा लगा आपको इस बीच? हाँ, तो मैंने शुरुआत की थी बॉम्बे से ही। बॉम्बे में होटल हॉलीडे इन जुहू में है ये होटल, और जब मैंने शुरुआत की थी तो चूँकि वहाँ होटल से मैं इंस्टीट्यूट से जब डायरेक्ट पास आउट होके एक फाइव स्टार होटल में गया, तो इतना जल्दी इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करता पब्लिक। तो वहाँ के जो शेफ थे, तो चूंकि हम पोजीशन तो पा लेते थे लेकिन एक्सपीरियंस उतना नहीं होता, तो शायद उनको आपको मदद नहीं करनी है, एक्सेप्टेंस नहीं रहा। अच्छा। उसके लिए मुझे को फिर उनका दिल जीतना पड़ा। दिल जीतने पे करने के जीतने के लिए मैं उनके, चूंकि बहुत सारे गढ़वाली थे, बंगाली थे, अलग अलग स्टेट के शेफ थे, क्षेत्र के लोग, हाँ, तो उनके साथ रहते रहते फिर मैंने गढ़वाली भी सीख ली। अच्छा। मैं नेपाली सीख लिया। अच्छा। मैं नेपाली बहुत अच्छी तरह बोल सकता हूँ, और बंगाली भी सीख लिया। जब ऐसा जब भाषाएं सीख ली तो लोग मेरे को मतलब ऐसे एक्सेप्ट करने लगे, तो उन लोग से जो ज्यादा आत्मीय हो गए, भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ गया। जब जुड़ गया तो एक ही चीजें सिखाते गए और सीखता गया। बस ये सफर रहा, और कई बार तो मेरे को ऐसा मौका नहीं देते थे कि तुम ये करो, लेकिन फिर चोरी छुपी सीखना शुरू किया मैंने। वहाँ के जो गार्ड्स थे उनको रात में रुमाली बना के खिलाना शुरू किया। हमारे जो शेफ था बहुत भड़क जाता था, ये तुम कहाँ से मेरा कौन खराब करता है पेड़ा। एक दिन इत्तेफाक से उसके साथ ही मेरे को उसका हेल्पिंग हैंड बन के जाना पड़ा कहीं आउटडोर कैटरिंग में, और उसको बहुत तेज बुखार आ गया। अच्छा। अब जो मैंने चोरी छिपे सीखा था, तो बोला उस्ताद आप बैठो मैं करता हूँ। जब मैंने पहली रुमाली रोटी उड़ाई, अच्छा, जाके नीचे बाजार में गिरी, उड़ी गया वो। अच्छा। और बाद में जब एक एक करके उड़ाना शुरू किया तो वो देख के दंग रह गया, और उसको तुरंत समझ में आ गया था ये वही लड़का है जो मेरा हर रोज मेरा पेड़ा खराब करता था। अच्छा। उसने मेरे को डंडा मारा वहाँ पर, लेकिन बुचकारा भी उतना ही। अच्छा। और किस्मत से उसी टाइम मेरे बॉस आ गए वहाँ, और मुझे ऐसा करते देख लिया, और इंस्टेंटली उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांग लिया, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है। फिर वहीं से मेरा विदेश का टूर शुरू हो गया, तो और अगले कुछ प्रोजेक्ट के लिए मैं कलकत्ता आ गया। कलकत्ता से फिर एको दुबई का वीज़ा आ गया, फिर मैं दुबई गया। दुबई में 3 साल रहा, फिर साइप्रस चला गया। साइप्रस आने के बाद फिर वापस इंडिया आया, घर से बहुत प्रेशर था जब वापस। फिर यहाँ कुछ गोवा में 2 साल रहा, फिर क्रूज़ में चला गया। क्रूज़ में जाने के बाद में ये जो आप आइलैंड बताए, घूमता रहा क्रूज़ में। अच्छा, ये बताइए आप जो अभी इतने, क्या आपने कभी कल्पना की थी ये हमारे छोटे से गांव में गुमला में रहते हुए कि आप दुनिया के इतने दुर्लभ स्थानों में, और जहाँ के कोई जा नहीं सकते होंगे बड़े बड़े आज के अधिकारी वगैरह भी, लेकिन आपको मौका मिला इस व्यवसाय में रहने के कारण, तो कैसा लगता है और कहाँ कहाँ आप गए? जी, ऐसा मैं वो कभी मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था, सपने में नहीं सोचा था। अच्छा। जब ही इस कॉलेज में था तो पिक्चर वगैरह देखता था, सोचता था कभी भाई कभी मैं इस जगह को देख पाऊँगा, लोगों से मिल पाऊँगा। लेकिन किस्मत देखिए कि मैं मायानगरी में तो रहा ही, कुछ अभी भी इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर लोग हैं जो कभी मेरे करीबी दोस्त रहे हैं और उनके साथ मैं रहा हूँ। जैसे टेरेंस लुइस है जो हमारे क्लासमेट थे। अच्छा। उनके साथ में रहा, रूपाली गांगुली हमारी मेरी बैचमेट थी, मेरी टेबलमेट थी। अच्छा। तो ये सब किस्मत देखिए कि मैं ये सब चीज़ों को अनुभव कर पाया, रियली में देख भी पाया। इसके पीछे आप कह सकते हैं कि किस्मत और लगन मेहनत दोनों था। अच्छा। जो इस मुकाम तक मुझे पहुँचा। अच्छा, ये आजकल आप यहाँ रांची में हैं जी, और रांची में बहुत सारे, जैसे हमने सुना है कि आपके आपके बहुत सारे प्रशंसक वगैरह हैं, जैसे महेश भट्ट जी हैं,
प्रकाश झा जी हैं और हमारे क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना जी भी हैं। तो ऐसा सुना है कि वो लोग जब भी आते हैं तो आपसे यहाँ के लोकल भोजन के बारे में आपसे डिमांड करते हैं। बिल्कुल। तो आप लोग वो क्या खाना चाहते हैं और आपको क्या देते हैं, उन्हें क्या खिलाते हैं? वो कहते हैं ना, लोगों का दिल जीतना है तो पेट से कर गुजरता है। अच्छा। तो खाना सबको अच्छा लगता है, और वो भी अगर ऑर्गेनिक देसी फूड मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या है। तो आज के मिलावट भरे युग में चाहता है कोई मेरे को सीधा सिंपल घर का और अच्छा खाना मिले, ऑर्गेनिक मिल जाए। अच्छा। तो महेश भट्ट जी का अपना डाइटरी रिक्वायरमेंट है और वो आते हैं उसके अपना ट्रीटमेंट कराने के भी आते हैं, तो अच्छी जान पहचान है मेरे उनके साथ में। अभी उनकी अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ आए थे। अच्छा। तो इस बीच में उनका जो रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल करता गया और उससे हमारी अच्छी बन गई, अच्छी करीबी करीबी हो गया हम और अच्छा जानते हो। और यहीं जहाँ तुमने बताया प्रकाश झा जी, तो प्रकाश झा भले रांची में है तो अपनी पहले पिक्चर की शूटिंग किए थे वो, कभी व्यक्तिगत बात में बताते हो, और वो चाहते हैं कि मेरे को वही अनुभव मेरे को वापस मिले रांची में। अच्छा। वो चावल बोल, हाँ वो चावल ब्राउन राइस तो आजकल ट्रेंड है, लेकिन बोलते कि मेरे को ढेकी कूटा चावल मिल जा रहा, तो उससे बड़ी बात क्या है यार, मेरे को प्लीज अरेंज कर दो। तो जब भी उनके लिए मैं ढेकी कूटा चावल रखता हूँ अपने पास, जब भी आते हैं तो उनको वही ढेकी कूटा चावल हाँ बनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और क्रिकेटर लोग चूंकि आते जाते रहते हैं, तो रैना जी का है कि भाई हमको कुछ लोकल खाना है, उनकी उनका डाइटरी रिक्वायरमेंट है कि आप इसे अलग खा नहीं सकते हो, लेकिन अम्बी की चटनी मिलेगी। अच्छा। कुछ लोकल झारखंड कुछ खाना बनाता है, तो धुसका वगैरह मैं कभी बनाता हूँ उनके लिए, कभी छिलका रोटी और चटनी दिया तो उनको बहुत मजा आया। अच्छा। छिलका रोटी और चटनी भी खिलाया। अच्छा। एक बार ऐसी हुई फॉर्चुनेटली कि इंडियन टीम में रिक्वायरमेंट था किनुआ का, क्योंकि किनुआ इतना पॉपुलर नहीं था रांची में, कोई लोग जानते भी नहीं थे, ये मेट्रो सिटीज में मिलता है और इसको अंग्रेजी दलिया बोलते हैं लोग, तो यहाँ नहीं था वो। तो मैंने उनके जो डाइट गाइड हैं, डाइटिशियन है स्पेशलिस्ट, हाँ उनको मैंने सजेस्ट किया कि इसका सब्स्टिट्यूट हम मड़ुआ दे सकते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मड़ुआ ये क्या होता है, फिर मैंने मड़ुआ का तीन चार रूप में बनाया, छिलका अच्छा। बनाया उसका, फिर उसका दूसका बनाया, नहीं डोसा बनाया। अच्छा। तो दो तीन रूप में खिलाया उनको मैंने, कभी कभी उत्तपम बनाया, तो तीनों रूप में उनको अच्छा लगा, सुनील लगा उसका जी, तो जब भी आते हैं तब मड़ुआ का डोसा खा लेते हैं। अच्छा। और इंडियन डाइटरी में मड़ुआ का छिलका ऐड कर दिया गया। अच्छा। और अभी अभी भी ये है, हम मान सकते हैं कि झारखंड कुजीन का एक देन है। अच्छा। या कि इंडियन फूड क्रिकेट टीम में डाइटरी रिक्वायरमेंट में इंडिया झारखंड मड़ुआ मड़ुआ छिलका रोटी ऐड हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये इस तरह से आपने और किस तरह से हमारे जो झारखंडी और ट्रैवल फूड है उसको प्रमोट करने के लिए और आपने क्या किया? हाँ, ये बात है कि हमारा जो झारखंड का फूड है वो मतलब इतना फेमस नहीं है, या लोग हम जानते नहीं इसके बारे में। तो चूंकि मैं शेफ हूँ और मेरा दायित्व ही बनता है कि अपने जो लोकल फूड है उसको कुछ का कुछ का कुछ करूँ, और मैंने फेस्टिवल किया था इसका, तो फेस्टिवल में मैंने पूरा एक मेन्यू बनाया ट्रैवल फूड का। ट्रैवल फूड बनता तो घर में ज़रूर है, लेकिन अलग अलग रूप में उसका एक ऐसा संकलित मेन्यू, उसमें क्या क्या मेन्यू क्या रहता है मेन्यू में, जो जैसे मेन्यू होना चाहिए, स्टार्टर होना चाहिए, सूप होना चाहिए, और मेन कोर्स होना चाहिए, फिर डेजर्ट होना चाहिए, इसको एक एक रूप दिया मैंने अपने लोगों से पूछ पाछ के, जो करीबी लोग हैं या रिश्तेदार हैं या फिर मेरे बुजुर्ग हैं या फिर जो जानकार हैं उनसे कुछ पूछा, और मैंने एक उसका एक फॉर्मेट बनाया। हाँ, उसमें तो, नहीं, सूप स्टार्टर फूड क्या क्या रखा आपने? अपना सूप है। अच्छा। तो कटाई झोर को, अच्छा कटाई को वही मैं सूप के रूप में दिया। अच्छा। कहीं सुकटी है, चेच है, सूप का रूप दिया। अच्छा। स्टार्टर बहुत सारा है, हमारा जो कुकिंग मेथड झारखंडी का झारखंड का वो बहुत ही सिंपल और ऑथेंटिक है, मतलब कहते हैं ना कि भारत महोत्सव में। हाँ। तो इसको हमने एक पिरोया अच्छा से, मेन्यू बनाया अच्छा से, और ये रेस्टोरेंट में फेस्टिवल किया था हमने रेडिसन में, तो ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। अच्छा। और इसको देखते हुए झारखंड गवर्नमेंट ने, टूरिज्म ने हमें बोला कि आप 2016 में 26 जनवरी में लाल किला के सामने भारत पर्व फेस्टिवल है, जो पूरे भारतवर्ष के जो राज्य हैं वो अपने ट्राइबल फूड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या आप हमारे झारखंड की कुजीन को वहाँ जाके प्रेजेंट करेंगे? मैं बोला मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, और चैलेंज भी था, और हम गए वहाँ पर, और वहाँ पर अपने झारखंड कुजीन को फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल पर एक्सप्लोर किया, और खाली फूड ही नहीं था,
फूड के साथ कल्चर और आर्ट, आर्ट इन सब चीज़ों का मिश्रण था। तो वहाँ 26 राज्यों का जो स्टॉल था उसके बीच में झारखंड का पहली बार एक स्टॉल था, और उस बीच में नगाड़ा मांदर और डांस हो रहा है, खाना चल रहा है। अच्छा। उसका जो महफिल जमता था वो देखने लायक होता था, बाकी स्टॉल खाली और हमारे सामने जहमत बनी रहती थी। माने बाकी स्टॉल खाली था सारा, बिल्कुल यहाँ डांस भी है, कल्चर भी है और फूड भी है। अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ जो झारखंड के वासी जो वहाँ बसे हुए हैं दिल्ली में, वो भी आके पार्टिसिपेट करने लगे, वो भी डांस किए। तो बहुत ही मस्त था, बहुत अच्छा माहौल था। मीडिया का पूरा लोग हमारे पास आके, भाई ऐसा क्या था झारखंड के खाने में। अच्छा, तभी के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर मनोहर पारिकर वो भी आए थे राउंड में, और हमारे वो भी जाके देख के गए झारखंड फूड को, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। अच्छा, तो आपने इतना काम किया झारखंड फूड के लिए, तो इसके लिए आपको वहाँ क्या क्या हासिल हुआ वहाँ? अब मैं कभी परिकल्पना भी नहीं किया था कि हमें पहली बार पार्टिसिपेट करें और हम फर्स्ट प्राइज लेके आए। अच्छा, अरे हमें फर्स्ट प्राइज मिली झारखंड को, फर्स्ट प्राइज। जी जी जी, तो ये बड़े सम्मान की बात है जो हमारे को प्राइज मिला। अच्छा रामचंद्र जी, ये हमारे झारखंड का फूड है जी, उसका क्या खास क्वालिटी है, क्या गुण है जरा उसका हमारे दर्शकों को बताइए उसके बारे में। ये झारखंड के फूड में मेडिकेशनल वैल्यूज हैं, इसका जो कुकिंग मेथड है बड़ा ही यूनिक है। यूनिक इन द सेंस कि इसमें बॉइलिंग मेथड, स्टीमिंग मेथड और रोस्टिंग मेथड, मतलब यही चीज़ें प्रमुखता से यूज होती हैं, ज़्यादा मसाला तेल का यूज नहीं होता है। क्योंकि पहले के लोग हैं जो गांव में रहते थे, वो वहाँ आस पास डॉक्टर नहीं होता था, जो यही साग सब्जियां हैं जो उनके लिए मेडिकेशन का काम करते थे और डाइजेस्टिव होते हैं, फाइब्रस होते हैं और पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। तो ये है झारखंड फूड की खासियत जो लोगों को तक मैं पहुँचाना चाहता इस चीज़ को, इसीलिए उनके स्वास्थ्य का एक वो खाना उनका कारण बनता है ना। बिल्कुल। अच्छा चलिए, तो आपने इतना बढ़िया बढ़िया काम किया, लेकिन हम लोगों ने जो सुना है कि जब आप अपने लिए लड़की देखने के लिए आए, तो ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ कोई आदिवासी परिवार ने आपको लड़की देने, कई आदिवासी परिवार ने लड़की देने से मना कर दिया। ये बात सच है? हाँ, कुछ हद तक सच है ये कि जब होटल इंडस्ट्री पहली बार मैं गया और लोगों को पता ही नहीं था कि होटल इंडस्ट्री होता क्या होटल में, लोगों के जहन में यही था कि एक छोटा रेस्टोरेंट होगा, सामने कैशियर बैठा हुआ, वही मैनेजर है और बाकी कुछ नहीं, तो इजीली एक्सेप्टेड नहीं था मैं। अच्छा, तो इसलिए उस समय लोगों ने उस कॉन्सेप्ट के आधार पर बोला कि भाई ये क्या काम करता है। हाँ। लेकिन आज आप तो मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं कुछ अलग करूँ। हमें जब हॉस्टल में था तो कोई IAS IPS JPSC सबकी ट्राई कर रहे थे, मैं कोई ये अलग ही रास्ता चुनना था और मैंने चुना, और चूंकि प्रोफेशनल लाइन में मेहनत बहुत करना पड़ता है और आपको अपडेट रहना पड़ता है। अच्छा, तो मज़ा आता है मुझे करने में। अच्छा, तो ये आप अभी आपको इस भाषा में रहते हुए कई बड़े बड़े हस्तियों से मिलने का मौका मिला, कुछ ऐसा हमें यादगार पल बताइए या कुछ ऐसे लोगों के बात बताइए जिसने आपके खाना का तारीफ किया, और वो आप भी अगर मिलते हैं कभी तो पूछते हैं गौ रामचंद्र कैसे हो, ऐसे करके कुछ पूछते हैं, तो ऐसे एक चार कौन आपको याद आता है, कौन अच्छा लगता है, ऐसा कोई बड़ा शख्सियत? ऐसा यादगार लम्हा तो बहुत है, लेकिन दो चार एक हाथ में बताऊँ। जैसे मैं कभी सोचा नहीं था कि मैडम मिलिंडा गेट्स यहाँ रांची में आएंगी। अच्छा, मैडम बिल गेट्स। हाँ, बिल गेट्स की वाइफ। अच्छा, बिल गेट्स की वाइफ। हाँ, तो एक सरप्राइजिंग था वहाँ पर कि वो आई चुपचाप से, कुछ खबर नहीं किसी को, और आके फिर यहाँ रह के चली गई और हमने उनको खिलाया। अच्छा, और यहाँ प्लस खूंटी गई थी वहाँ से आई, तो एक वो है। और एक दूसरा है कि जब मैं भारत पर्व में था तो अगले दिन हिंदू अखबार वहाँ का बहुत विस्तारपूर्वक हमारा आर्टिकल छापा था और वहाँ मेरा फोटो था। अच्छा। हमारे गेस्ट ने देख के फ़ोन किया वहाँ से मेरे को दिल्ली में कि शेफ क्या आप रांची दिल्ली में हो? मैंने बिल्कुल हाँ सर, आज आपका फोटो आया है यहाँ का हिंदू अखबार में। अच्छा, अच्छा। तो वो मेरे को बहुत सरप्राइजिंग और अच्छा लगा मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो रामचंद्र जी, हमारे जो नए लोग हैं, हमारे युवा लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो झारखंड और उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? जिंदगी बहुत सरल है लेकिन उतनी ही जटिल भी है। मेहनत लगन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपका ईमानदारी
और आप अपने आप में खुद को पहचानें, खुद को जानिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, उसके आगे पूरी दुनिया फिर खुला है, फिर आप जैसे चाहे वैसे जा सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं अपनी जिंदगी को। अच्छा, तो रामचंद्र जी आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।